में हाल ही में रवि किशन संग अंजना और प्रियंका पंडित अभिनीत फिल्म शहंशाह को लोगों द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा है और इस फिल्म को दर्शकों के बीच भी काफी पसंद किया गया। फिल्म लगते ही अच्छा व्यवसाय करने लगी थी। इसी खुशी में इस फिल्म के लिए एक सक्सेस पार्टी रखी गई, लेकिन फिल्म के कलाकार क्या कहते हैं फिल्म के सफल होने पर और कैसे हुई है इस फिल्म की सक्सेस पार्टी, आइए आपको दिखाते हैं। कानू जी का नृत्य, वाह कानू जी आए। एक्चुअली वो वाला पोस्टर बीच में शेयर था जिसका नाम ऊपर लिखा है। हां वही मैं भी सोच रहा था। चल कर चल, दो मिनट टाइम चेंज कर दो, जगह मालूम कर दो, इसको भी सुना दे। उसको भी तो उसका नाम ऊपर लिखा है, देखो तो ऊपर जाएगा नहीं। फोटो सेट भी है ना तुम्हारे पास, उसको एडजस्ट कर दो ना। एक तो पहले तू बैठ ना, एक बैठ पहले काम करो। देखो कैमरा ना देखो तो वैसे देखना भी करना। भाई थोड़ा 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 कौन हम लोग हैं डायरेक्टर वो करते हैं। पांच सीन में सीन में सीन लाइन का पति का चालू नहीं चलता है। कहाँ बचे अच्छा बहुत अच्छा लगा ये फिल्म। यहाँ पर कल अच्छी ओपनिंग ली और दर्शकों को बहुत पसंद आ रही, क्वाइट सरप्राइजिंग। हालांकि कल बागी भी लगी थी और यू नो एग्जाम्स भी चल रहे हैं, व्हाटएवर यू नो, तो बहुत सरप्राइजिंग था जब हमको प्रोड्यूसर विवेक जी बताए कि वो सिनेमा हॉल गए थे और वहाँ पे रिस्पांस अच्छा है। तो अच्छा लगता है जब फिल्म चलती है तो सबको खुशी होती है। वो किसी भी स्तर का कलाकार हो, किसी भी स्तर का स्टार हो, फिल्म चलना तो फिल्मों का चलना बहुत ज़रूरी है। सर जब कोई नई फिल्म के लिए अप्रोच किया जाता है, आप काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, लेकिन वही फ्रेशनेस नज़र आता है जैसे पहले नज़र आता था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर की जो आग है वो बढ़ती जा रही है, आग कम ही नहीं हो रही है। तो बहुत ये आग कब बुझेगी वो बहुत, और मिस्टर बच्चन को इसको मैं श्रेय देता हूँ क्योंकि उनको और अनिल कपूर, ये जब भी मैं इन लोगों को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वाह ये लोग इतना आग लगाए हुए हैं। अभी मैं फिल्म कर रहा हूँ एक तेलुगु की चिरंजीवी सर के साथ, तो ये लोग सब इतने पावरफुल लोग हैं कि उनको हम लोग तो कुछ भी नहीं है। तो कोशिश मेरी रहती है कि मज़ा लूँ, लोग ले रहे हैं, लोग बना रहे हैं फिल्में, चाह रहे हैं, तो मैं क्यों गद्दारी करूँ अपने काम से। पैसे लेता हूँ तो ईमानदारी से आगे काम करूँ। बहुत ही अच्छा रहा अनुभव। और हम जैसा रवि जी ने बताया, रवि जी के साथ मेरी फर्स्ट फिल्म थी और हम लोगों ने हमारी केमिस्ट्री को काफ़ी पसंद किया। इस फिल्म में भी काफ़ी अच्छा किरदार है मेरा, फूल बेचने वाले का किरदार है, लोगों को अच्छा लग रहा है। नहीं, 5 साल के अंदर आपने 50 फिल्मों में काम किया है और एक बार 17 में से 11 फिल्में हिट हुई हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुशी मिलती है, कितना प्राउड फील करते हैं खुद में अभिनेत्री के तौर पे कि इतने कम समय में इतना ज़्यादा फिल्म किया और कितनी सारी फिल्में सफल हुई आपकी? अब हिट होना तो ऑडियंस पे है, बट सफल होना जब करियर की शुरुआत ही इतने लकी पर्सन से हो तो करियर तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा हो जाएगा। और जब दो एक्ट्रेस एक फिल्म में हो तो कुछ कॉम्पिटिशन रहता है आपस में? नहीं, बिल्कुल कंपटीशन नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। हम लोगों ने बहुत मिलजुल के काम किया और ऐसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि हमें पता था कि हमारा क्या काम है, कैसा काम है, तो फिर झगड़े नहीं होते हैं। तो रवि, आपने पहली बार काम किया अंजना जी के साथ, क्या कहना चाहेंगे, कैसा अनुभव था काम करना? अंजना जी के साथ उनके करियर की पहली फिल्म मेरे साथ थी फौलाद,
इसके बाद ये बड़ी लकी लड़की है मेरे लिए, मैं हमेशा कहता हूँ। हम लोग काफ़ी फिल्में किए हैं और ये जो भी फिल्म में रहती हैं हमारी जोड़ी बहुत पसंद की जाती है। इनके साथ मुझे बहुत मज़ा क्या आता है कि एक तो ये काम को पूजा समझती हैं और ये इसको मजाक नहीं लेती, इनके कुछ फालतू के ड्रामे नहीं होते, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। शी इज़ वेरी प्रैक्टिकल और हम लोग फ्रेंड्स भी हैं, वी आर फ्रेंड्स ऑल्सो, तो हम लोग फैमिली भी डिस्कस करते हैं, काम भी डिस्कस करते हैं। और हम लोगों ने अभी एक ऐड भी साथ में की जो बड़ी हिट हुई है, भी ऐड बांगड़ सीमेंट की। सो वो इक्वेशन इनके साथ है कि इनको बताना नहीं पड़ता, मैं इनको ऐसा देखता हूँ फट से इनको पता है कि ये होगा, या हम लोग स्टेज शो कर रहे हैं तो इनको पता है कि ऐसा टेक ऑफ होगा बिगर रिहर्सल के भी। तो वो एक बहुत रेयर ऐसी अंडरस्टैंडिंग के साथ कोई साथी कलाकार आपको मिलता है। और वो जब दोस्त हो तो सोने पे सुहागा। मैं इनके साथ काम करके हमेशा आई रियली इन्जॉय एंड आई फील कि हम लोग बहुत ज़्यादा फिल्में करें, अलग अलग किरदार इनके साथ करें। और अंजना सिंह एक बहुत बड़ा अच्छा एक ब्रांड बन चुकी हैं भोजपुरी सिनेमा का, और इसी तरह भगवान इनको आगे बढ़ाते रहे, दिस इज़ व्हाट आई फील। बिकॉज पहली फिल्म में जब इनको मैंने देखा था तो एकदम इमेच्योर थी और वहाँ से ये यहाँ तक की जर्नी कर रही हैं अपनी, तो हेड्स ऑफ टू हर बीइंग अ गर्ल एक सम्मान के साथ यहाँ तक पहुँच रही हैं। एक बहुत काबिले तारीफ इनका एक जर्नी का। वैसे ये भी कहना चाहूँगा सिर्फ भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ताल्लुकात नहीं है, हिंदी में काम करते हैं, साउथ में काम करते हैं, आप कोई अंतर मानते हैं भोजपुरी और दूसरी फिल्म इंडस्ट्री में, अगर कुछ ऐसा कहना चाहेंगे कि कुछ अंतर नज़र आता है आपको? बजट का होता है, सी कैमरा भी ब्लैक कलर का वहीं पर होता है, ऑनेस्ट सारे कलाकार भी वैसे ही होते हैं, सब लोग को बनना है, सबको वहाँ भी डायरेक्टर हिट चाहता है, यहाँ का डायरेक्टर भी हिट चाहता है, प्रोड्यूसर, सब लोग वही हैं। बस वहाँ पर है कि वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर पर बड़ा ध्यान दिया जाता है, स्क्रिप्ट राइटर को पैसे बहुत दिए जाते हैं और वहाँ पे होमवर्क बहुत करते हैं। वहाँ डायरेक्टर अगर रात को ड्रिंक भी कर रहा होगा तो वो अपने स्क्रिप्ट को लेके बैठा है, अगर वो डिनर भी कर रहा है तो अपने स्क्रिप्ट को लेके बैठा है, वो सुबह 4 बजे उठ जाता है डायरेक्टर। तो वहाँ पे होमवर्क इतना ज़्यादा करते हैं कि आप उसका रिजल्ट देखते हैं और बॉलीवुड से लेके हर व्यक्ति उनको कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप कितने ऑनेस्ट हैं अपने प्रोडक्ट को लेके, अपनी फिल्म को लेके, अपनी इंडस्ट्री को लेके, कितने ईमानदार हैं। मतलब बहुत कुछ सीखा, मैं सीख रहा हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में वहाँ करता रहता हूँ मैं वहाँ पे। बस ये कि भोजपुरी में हमारे पास भाई थोड़ा सा, अब क्या कहें, थोड़ा राइटरों की कमी है, थोड़ा सा है कि बजट राइटरों के लिए नहीं है। यहाँ की ऑनेस्टी पे मुझे शक नहीं है किसी पे, और ये नहीं कि वहाँ गए और नाम हम कमा रहे हैं या तो हिंदी में नाम कमा रहे हैं तो यहाँ पे हम करिए, ये मेरी खेती लगाई हुई है जो मैं गर्व के साथ कहता हूँ सैया हमारे से। और मैं चाहता हूँ मेरी इस खेती को पनपते हुए देखना, इसको ख़त्म होते हुए या इस पर कलंक लगते हुए या लाशन लगते हुए नहीं देखना चाहता, बड़ा बुरा लगता है मुझे। मैं कोशिश रहती है कि भोजपुरी का नाम ऊँचा रहे, क्योंकि इसके लिए बहुत शिद्दत की मैंने बाहर मार्केट में पैसे दूसरी इंडस्ट्री में ज़्यादा लिए, यहाँ पर कभी ब्लॉकबस्टर्स के बाद भी नहीं लिए, ताकि इंडस्ट्री को मदद मिले। इस इंडस्ट्री को ऊँचा ही देखना चाहता हूँ, इसके बारे में गलत सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख पहुँचता है। सो यही अंतर है, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने ही प्रोडक्शन से एक प्रेम पोथी प्लान कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा कि एक ही नेशनल अवार्ड आया है कब वही गौना हमारे से, दूसरा नेशनल अवार्ड भी मेरी कोई फिल्म से आए और मेरी प्रोडक्शन से आए और ये इंडस्ट्री ऊँचाई पर रहे और इसको सम्मान मिले। क्योंकि आज मैं जहाँ भी काम करता हूँ सब जगह भोजपुरी को जानने लगे और बड़े सम्मान से इस इंडस्ट्री को बाहर की इंडस्ट्री में देखा जाता है। अच्छा, नहीं, आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस इंडस्ट्री के आप पार्ट हैं, क्या कभी तुलना भी होती है आपके मन में ऐसी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जो अभिनेत्री हैं या टेलीविजन इंडस्ट्री में जो अभिनेत्री हैं उनसे तुलना होती है, या जो चीज़ आप कर रहे हैं उससे आप खुश या संतुष्ट हैं? खुशी होती है कि लोग कंपेयर करते हैं और लोग भोजपुरी के बारे में जानते हैं, क्योंकि बहुत ही कम होता है लोग रिएक्ट करते हैं। हीरोइन है, ओके, कहाँ, कौन सी फिल्म की है? भोजपुरी। ओहो, भोजपुरी की है, तो मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है और अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ जो हूँ भोजपुरी की वजह से हूँ। और कोई कंपेयर भी करता है तो इट्स मीन कि हम कहीं खड़े हैं तो लोग कंपेयर कर रहे हैं। आखिर में पूछना चाहूँगा रवि जी की जो सामाजिक दायित्व निभाते हैं आप, हाल ही में काफ़ी मदद किया आपने, तो क्या कहना चाहेंगे उससे कितना संतुष्टि मिलता है आपको कलाकार के तौर पर, क्योंकि कलाकार के तौर पर मनोरंजन दे ही रहे हैं और जो सामाजिक चीज़ है उसमें भी आप अपना सहयोग कर रहे हैं? मैं मीडिया को धन्यवाद दूंगा कि मैं फेसबुक देख रहा था और इंस्टा फेसबुक देख रहा था और मुझे पूजा डढ़वाल के बारे में पता चला,
तो मुझे जब भी खबर आती है तो एक मानव हूँ, एक इंसान हूँ, इंसान को करना चाहिए अपने औकात के हिसाब से, उसमें ज़्यादा तारीफ लेना ये मैं कई सालों से कर रहा हूँ और बहुत कई सालों से कर रहा हूँ, ये मेरा ऑफिस जानता है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है, लेकिन ये पहली बार ये बात मीडिया में आ गई है। क्वाइटली आई डू इट लॉट एंड मैंने कभी उसका वो नहीं किया, ना हमको याद भी रहता है, मदद करता रहता हूँ क्योंकि मेरी मदद किसी ने नहीं की थी। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करी और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।